मध्य प्रदेश में एक बार फिर से राजनीतिक सियासत तेज है। काय के मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट के जरिए ऐसो बयान जो दे दो है। दरअसल दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट करे है और उनमें उन्होंने लिखे है कि अब मध्य प्रदेश भाजपा में मुख्यमंत्री के लाने केवल दो उम्मीदवार दौड़ में रह गए हैं और ये उम्मीदवार हैं मोदी जी के उम्मीदवार प्रहलाद पटेल और संघ की तरफ से उम्मीदवार विष्णुदत्त शर्मा। यानी दिग्विजय सिंह जो क्या वो चाह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान को हटा के अब प्रहलाद पटेल या बीडी शर्मा में से कौन एक मुख्यमंत्री बनाओ जे मध्य प्रदेश में। जबकि ये पूरे मामले पे अब सियासत तेज हो गई है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने बाकायदा दो ट्वीट के जरिए दिग्विजय सिंह पर पलटवार करी है। बीडी शर्मा ने ट्वीट करे है कि कमलनाथ जी की सरकार गिराने का श्रेय आपको ही जाता है, आपको इस पर फक्र है, लेकिन यह कांग्रेस के संस्कार हैं भाजपा के नहीं। हमें शिवराज जी के नेतृत्व में अपनी सरकार पर गर्व है और हम जन कल्याण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आपके गोरख धंधे बंद होगा इसलिए पीड़ा होना स्वाभाविक है। इसके अलावा बीडी शर्मा ने तंज भी कसे के कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद के लिए केवल दो ही उम्मीदवार हैं, एक सोनिया गांधी के उम्मीदवार राहुल गांधी और राहुल गांधी की उम्मीदवार सोनिया गांधी, बाकी हसरतें रखने वालों के प्रति मेरी सहानुभूति है। तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी के तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के ट्वीट और उसके बाद भाजपा की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष के ट्वीट सियासी माहौल को गर्म बनाए हैं मध्य प्रदेश में। हालांकि फिलहाल राजनीतिक गतिविधियाँ ऐसी तो नहीं हैं जिससे इस तरीके का मुद्दा उठवे, लेकिन रोईना कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा होन दो हो रही हो सकत कछु नौ भी हो जाए। काय के दिग्विजय सिंह तो अपने बयानों के लाने जाने जाते हैं। एक सुनहरा भविष्य आपकी राह देख रहा है। एकलव्य यूनिवर्सिटी में चुनिए अपने मनपसंद करियर कोर्स जैसे इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट, नर्सिंग, फॉरेंसिक साइंस, जर्नलिज्म, पीएचडी आदि में प्रवेश लें और अपने सपनों को नए पंख दें। एकलव्य यूनिवर्सिटी, सागर रोड, दमोह।